महाराष्ट्र की राजनीति में एक विज्ञापन के बाद हलचल मच गई है। शिंदे की शिवसेना द्वारा ये विज्ञापन सामने आने के बाद गठबंधन की छवि बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में शिंदे को फडणवीस से लोकप्रिय बताने वाले विज्ञापन के बाद भाजपा सांसद और शिवसेना विधायक में वाक युद्ध छिड़ गया है और ये वाक युद्ध कब खत्म होगा या आगे बढ़ेगा ये भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। माना जा रहा है कि विज्ञापन के जरिए फडणवीस के कद को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और इसकी वजह से बीजेपी के तमाम नेता और खुद फडणवीस भी नाराज बताए जा रहे हैं। विज्ञापन को लेकर विपक्ष ने जैसे ही सरकार पर हमला बोलना शुरू किया, बीजेपी और शिवसेना के मंत्रियों पर भी इसका असर नजर आने लगा। विज्ञापन विवाद के बाद ऐसा दो बार हो चुका है जब पहले से तय कार्यक्रम में फडणवीस ने शिंदे के साथ मंच साझा करने से किनारा कर लिया और शिंदे गुट की तरफ से दिए गए इस विज्ञापन के बाद राजनीतिक गलियारों में गठबंधन सरकार को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर अपनी तरफ से सफाई भी दी है और दोनों ही दल अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि पूरा सियासी घटनाक्रम पॉइंट वाइज क्या है। पहली तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मंगलवार को 13 जून को एक सर्वे का हवाला देते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना में ज्यादा लोगों की पसंद बताया गया। अलग अलग समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया गया जिसकी टाइटल भी उसमें प्रकाशित किया गया और राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जैसे टाइटल उसमें दिए गए। दूसरी बात यह है कि विज्ञापन में कहा गया था कि सीएम पद के लिए हुए एक सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को और 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। इस विज्ञापन के बाद राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ गईं। हालांकि मुख्यमंत्री शिंदे ने यह कहते हुए इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देने का प्रयास किया कि वो और फडणवीस दोनों लोगों के मन में है और मिलकर काम कर रहे हैं। इस विज्ञापन में शिवसेना का धनुष बाण चिन्ह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे की फोटो लगी है लेकिन फडणवीस की फोटो नहीं थी। साथ ही विज्ञापन में शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की भी फोटो भी नहीं थी उसमें। अब चौथा घटनाक्रम ये हुआ कि एकनाथ शिंदे और पीएम मोदी की फोटो वाला विज्ञापन देने के बाद बुधवार को फिर एक विज्ञापन दिया गया और इस बार शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की भी फोटो लगाई गई। एकनाथ शिंदे ने गुरुवार 15 जून को पालघर में कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक विधायक थे और मैं एक विधायक था, तब से हम दोस्त हैं। ये फेविकोल का जोड़ है, ये दोस्ती नहीं टूटेगी चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। कोई कहता है जय वीरू की जोड़ी है लेकिन ये जोड़ी एक गठबंधन है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो स्वार्थ के लिए एक साथ आए थे लोगों ने उनसे किनारा कर लिया। ये दोबारा जो विज्ञापन दिया गया इसे डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। पांचवा घटनाक्रम यह हुआ कि शिंदे ने कहा कि सरकार बीजेपी मोदी के मार्गदर्शन में काम कर रही है और केंद्र ने मुंबई और राज्य में अन्य जगहों पर बुनियादी ढांचे के काम के लिए भारी धनराशि आवंटित भी की है। राज्य भर में प्रगति जोरों पर है और इसलिए लोगों ने हम पर प्यार और आशीर्वाद बरसाया है। मुझे और डिप्टी सीएम को सकारात्मक रेटिंग भी दी गई है। हम दोनों राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और इसे आगे भी ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र देवेंद्र जी के नेतृत्व में विदेशी निवेश में नंबर वन था, अब फिर से नंबर वन हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में महाराष्ट्र फिर से नंबर एक पर बना हुआ है। साथ ही एकनाथ शिंदे ने पंचामृत बजट पेश करने के लिए फडणवीस की प्रशंसा भी की है और पालघर में सरकार की घर घर योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक ही हेलीकॉप्टर से पालघर गए थे और विज्ञापन विवाद के बाद पहली बार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक ही मंच पर आए थे। विज्ञापन विवाद पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पहली बार बयान दिया और कहा कि ये सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि एक विज्ञापन से कुछ हो जाएगा, हम 25 साल साथ थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इतनी मूर्ख नहीं है कि किसी विज्ञापन से या किसी के कहने से कुछ हो जाए। ये सरकार तब तक काम करती रहेगी जब तक आम लोगों का काम नहीं होता।
फिर इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी शिवसेना लंबे समय तक काम करती है, कभी कभी मनमुटाव होता है, इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि इससे गठबंधन टूट जाएगा। विज्ञापन को लेकर जो बात सामने आई थी उसे सुधार भी लिया गया है। कभी मनमुटाव होता है तो कभी दो भाइयों में मतभेद होता है, लेकिन हम सब काम करते हैं। शिंदे साहब का दिल बड़ा है, वो कोई छोटी सोच के नेता नहीं है। उनके कुछ नेताओं ने कुछ विज्ञापन डाले थे, लेकिन अब बात सही है। फिर इस विज्ञापन को लेकर बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बीच बयानबाजियां भी छिड़ गई। महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद अनिल बोंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे पर निशाना साधते हुए ये बोला कि मेंढक कितना भी मोटा हो जाए हाथी नहीं बन सकता। शिंदे सलाहकार संभवतः उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं और उद्धव ठाकरे सोचते थे कि मुंबई ही पूरा महाराष्ट्र है, अब शिंदे सोचते हैं कि ठाणे ही पूरा महाराष्ट्र है। वहीं शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी तुलना मेंढक के साथ करना या ये कहना कि वो सिर्फ ठाणे तक ही सीमित है, किसकी मदद से बीजेपी महाराष्ट्र में फूले फले। आप बाला साहब ठाकरे की मदद से आगे बढ़े, महाराष्ट्र में आपकी जगह क्या है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।